सारे सारे अगर हम लोग पूरी पूरी दुनिया जो हमारे भागीदार हैं वो अगर सारे ट्रैक पर चले जाए आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। आप चलाइए गोलियां, आप मारिए डंडे, फिर हम देखेंगे। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने हमारा शोषण नहीं किया है, खास करके सबसे ज्यादा शोषण तो मैं कहूंगा मोदी जी ने किया है। बारीदारों का नुमाइंदा अगर असेंबली में जाएगा वो श्राइन बोर्ड की पोल खोलेगा, क्योंकि आप जानते हो जैसे जहां पे कटरा में जो एपिसोड हुआ, टिकट काटी गई, एक बंदे को टिकट दी गई और दूसरे को दूसरे दिन टिकट दी गई, उसके पीछे श्राइन बोर्ड का हाथ है और श्राइन बोर्ड ने जो सारी टिकट मैनेज की है, क्योंकि जो जिसने भाजपा में जिसको टिकट मिली है वो श्राइन बोर्ड का पिट्ठू और श्राइन बोर्ड का सपोर्टर है। श्राइन बोर्ड चाहता है कि उसी बंदे को जहां पे जीत के जाए वो असेंबली में श्राइन बोर्ड। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो अभी चुनावी माहौल जो है गर्म है और इसी बीच आज बारीदारों ने काला दिवस मनाया। बारीदार जो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स के रूप में एक बड़ी परसेंटेज रखते हैं, आज वो कटरा के बाबा श्रीधर चौक से SDM ऑफिस पहुँचे, श्राइन बोर्ड विरोधी नारे लगाते हुए और उन्हें SDM कटरा पीयूष धोत्रा को मेमोरेंडम सौंपा। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा बारीदारों ने श्री माता वैष्णो देवी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर। जो व्यवस्था थी वो हमारे पूर्वज जो थे 1200 वर्षों से देखते आ रहे थे, 1200 वर्षों की हमारी जो तपस्या थी उन्होंने एकदम एक उबर करने के रात के 2 बजे हमें वहां से निकाला गया और उसी के सिलसिले में हम लोग ये 30 अगस्त को हम लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट इसीलिए होता है कि तो आगे हमारे जो जनरेशन हमारी जो नई जनरेशन है या हमारे जो ओल्ड लोग हैं अपने संघर्ष के लिए हम लड़े और एक दिन ऐसा आएगा, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 500 साल के बाद राम मंदिर बन सकता है तो वैष्णो देवी की व्यवस्था भी बारीदारों के पास आ सकती है। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ये मेरा सोचना है, ये मेरा कहना भी है कि अपने बारीदारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप एकजुट होकर करें, एकजुट होकर लड़ें इनके साथ, तभी आपकी कामयाबी हो सकती है और अपना हक हम ले सकते हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने गवर्नर साहब से कहा कि ये इतने मासूम लोग नहीं है, हम लोग वो हैं जिन्होंने हजारों सालों पे इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या करी है और हम चाहे हमारे अंदर एक बात जो है वो वैष्णो की बात है, हम इसीलिए अपना वो नहीं करने, नहीं तो हम लोग सारे सारे अगर हम लोग पूरी पूरी दुनिया जो हमारे भागीदार हैं वो अगर सारे ट्रैक पर चले जाए आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। आप चलाइए गोलियां, आप मारिए डंडे, फिर हम देखेंगे। मगर इसका ये नहीं है कि 38 सालों से आप लोग अपना श्राइन बोर्ड के अंदर जिस तरीके धांधली कर रहे हैं, नौकरियां बाहर वाले लोगों को दे रहे हैं, हमारे लोग जो लड़के जो हमारे नौजवान लड़के भागीदारों के लिए उनके लिए क्या रखा आपने? आप लोग हर आदमी को नौकरी बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, बाहर के लोगों को दे रहे हैं, हमें पिछले 38 सालों से यूज किया जा रहा है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने हमारा शोषण नहीं किया है, खास करके सबसे ज्यादा शोषण तो मैं कहूंगा मोदी जी ने किया है। 2014 के अंदर मोदी जी ने अगर कहते ना तो अजय नंदा जी नहीं जीत पाते। और मैं ये कहना चाहता हूं बारीदारों की बदौलत वो जीते, मगर बारीदारों को उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं आपके भागीदारों को सबको मैं समझाना चाहता हूं कि इनसे ये अपेक्षा भी मत करिए कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, ये कभी कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड के अंदर आज की जो मांग है, डिमांड है कि भागीदारों को रिप्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आके आपको अपना हक मिल सकता है। अदरवाइज हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। जब हमारा असेंबली के अंदर बिल पास हो, बिल पेश हो, वो कोई भी सरकार हमें कर सकती है। मतलब इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो मसला है वो सरकार, जहां की सरकार, जहां के लोग, आप लोगों का प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर, फैसला आप लोगों ने करना है किसको लाना है आपने। मगर मैं ये कहना चाहता हूं जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला श्राइन बोर्ड से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां के लोकल जो मेंबर आते हैं श्राइन बोर्ड के अंदर, कभी DGP साहब आ गए पुलिस से, कभी कोई रिटायर जज आ गए, कभी कोई हिस्टोरियन आ गए, कभी कोई दूसरे लोग आ गए। भाई कटरा वालों को क्या है? बारीदारों ने जिन्हें 1200 साल वहां रहे हैं उनको पता नहीं है कुछ भी? क्या उनको कोई नॉलेज नहीं है? श्राइन बोर्ड की ये सबसे बड़ी
मैं सोचता हूं कि उनकी ये सबसे बड़ी चाल है कि श्राइन बोर्ड अगर बारीदार आ गया कि उनकी धांधलियां जो है वो बंद हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार आएगी, पूरा करो आपकी जो सरकार आएगी, उन्होंने क्या करना है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप जितनी जनता सुन लीजिए, वो बिल लाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट को वो मेंबर बनाएंगे, जहां का एमएलए को मेंबर बनाएंगे, जहां का कटरा का कोई लोकल होगा नॉन बारीदार उसको मेंबर बनाएंगे, मगर बारीदार भाइयों आपको मेंबर नहीं बनाएंगे वो। क्यों? कि अगर आप में से कोई मेंबर बन गया तो आप श्राइन बोर्ड को चलने नहीं देंगे। इसलिए उनकी साजिश है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस साजिश से अवेयर रहना चाहिए, आपस में फूट नहीं डलनी चाहिए, ताकि अपना आप लोग मिशन में कामयाब हो। मेरी बेस्ट विशेज आप सब लोगों के साथ हैं कि ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो और आगे बढ़ें। तो जैसे सारे बारीदार भाई कहेंगे, पहले तो हम अपनी फैमिली देखेंगे, और मैं यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि 2014 में जो आपने बारीदार लोगों से वादा किया है, हमारी बिरादरी से वादा किया है, वो वादा पूरा करें, क्योंकि अगर वो वादा पूरा करते हैं तो हम लोग आप पे विश्वास करेंगे, अदरवाइज हम विश्वास नहीं कर सकते। ये हमारी अपील भी है, प्रार्थना भी है, नहीं तो हम तो प्रोटेस्ट अपने जारी रखेंगे और श्राइन बोर्ड को यहाँ चलने देंगे। श्राइन बोर्ड की यहाँ पे आप राजी है? ये बारीदार संघर्ष कमेटी जो है पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रही है, क्योंकि बारीदारों के साथ बेइंसाफी की हर उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने हमारे साथ वायदा किया, और लेकिन कोई भी हमारे मसले को फुलफिल करने में कोई भी कामयाब नहीं रहा, जितने भी चाहे वो सेंटर में कोई सरकार हो या स्टेट की सरकार। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बारीदार जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं वहां पे पूजा अधिकार जो है उनको मिलने चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार वहां पे मिलना चाहिए, वहां पे सारी फैसिलिटीज बारीदारों को मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के गए हैं, किसी ने भी बारीदारों की जब इलेक्शन होती है तब बारीदारों की चिंता होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई भी एक, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि 4 एमएलए यहां से हमारे जीत के गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना चाहता कि एक भी एमएलए असेंबली के अंदर हमारी बात नहीं रख पाया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो चाहे कोई भी पार्टी हो उसने हमें मूर्ख बनाया, और खासकर लास्ट हमें मोदी जी ने 2014 में जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे अगर हमारी सरकार आती है, लेकिन 2014 के बाद जहां पे भाजपा के साथ पीडीपी की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद हमारे साथ ये कहा गया कि इसी सेशन में हम इसका बिल लाएंगे और अमेंडमेंट करेंगे, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि हम बड़ी जल्दी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे, उसमें बारीदारों का भी नुमाइंदा होगा, लेकिन उसके बाद जब बारीदारों का जहां पे श्राइन बोर्ड का जब पुनर्गठन हुआ तो उसमें बाहर के लोग रखे गए बारीदारों का, और जम्मू से कोई लोग नहीं रखे गए, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हमारे साथ झूठ बोला। तो इसीलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि बारीदारों के साथ हर वो पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोलती जा रही है, और बारीदार यूनाइट होकर तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बारीदारों को हर एक पॉलिटिकली अपना वोट बैंक समझती है, क्योंकि आपने देखा हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बारीदारों को किसी भी नुमाइंदे को टिकट नहीं दी, हालांकि जी अगर चाहते बारीदारों की चिंता होती तो उसके नुमाइंदा चुनते। आज चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी पार्टी ने आज तक बारीदारों को जहां पे मैंडेट नहीं दिया वो इसीलिए नहीं देते क्योंकि बारीदारों का नुमाइंदा अगर असेंबली में जाएगा वो श्राइन बोर्ड की पोल खोलेगा। क्योंकि आप जानते हो जैसे जहां पे कटरा में जो एपिसोड हुआ, टिकट काटी गई, एक बंदे को टिकट दी गई और दूसरे को दूसरे दिन टिकट दी गई, उसके पीछे श्राइन बोर्ड का हाथ है और श्राइन बोर्ड ने जो सारी टिकट मैनेज की है, क्योंकि जो जिसने भाजपा में जिसको टिकट मिली है वो श्राइन बोर्ड का पिट्ठू और श्राइन बोर्ड का सपोर्टर है, श्राइन बोर्ड चाहता है कि उसी बंदे को जहां पे जीत के जाए वो असेंबली में श्राइन बोर्ड बिल्कुल उतारेंगे। बारीदारों ने जो फैसला किया इस बार हम अपना कैंडिडेट की सपोर्ट करें। सर कितने उम्मीदवार होंगे? देखिए वो तो बारीदार डिसाइड, जो पार्टी कमेटी डिसाइड करेगी वो आपको पता चल जाएगा बड़ी जल्दी। जो जितने भी उम्मीदवार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको वोट डालने का हक है उसको इलेक्शन लड़ने का भी हक है, जो सामने आएगा जिसको बारीदार सपोर्ट करेंगे वही जीतेगा। जहाँ और बारीदारों के तीन जो उम्मीदवार हैं तीनों के नाम, देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, कोई उम्मीदवार नहीं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है, सोशल मीडिया में तो भाजपा के 8 उम्मीदवार थे, एक ही को मिला है, ऐसा नहीं होता, ये सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारीदारों का इस समय बड़ा इकट्ठा एक फैसला है, जो भी होगा बहुत अलग ही होगा।